और यहाँ से यार हमें कुछ लेके जाना है। ओए अबे क्या पागल है, क्या नजर नहीं आ रहा तुझे? तुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर है क्या? खड़ा क्या हो रहा है तू? अंधा क्या तू? देख ना तुझे नजर नहीं आ रहा वो, तो तुझे नजर नहीं आ रहा, तो धक्का क्यों दे रहा है भाई? हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाम रईस। सबसे पहला काम करते हैं यार, अपनी ब्राउनी को बाहर तो निकाले। इतना चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है, और ये माशाल्लाह इतनी एक्टिव हो गई है कि हमारे एक ही इशारे में देखे जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर ये भाई ये बंद करो यार, यहाँ से बाहर ना चली जाइए। चलो ब्राउनी आओ, आओ आओ ब्राउनी आओ। यार अभी ना इजहान सो चुका है, पर मैं ये सोच रहा था इजहान उठे तो मैं ब्राउनी के साथ थोड़ा बहुत इजहान को खिलाऊँ, बट डोंट वरी ब्राउनी माशाल्लाह देखे जी। ओए होए 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 होए, इसको ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो क्या है कि थोड़ा बहुत ना बाहर आगे पीछे घूमती रहे। तो अभी ये कि ब्राउनी को थोड़ा बहुत बाहर छोड़ दिया है, और छत भी ना मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी थी। ये देखे जी, ये वाली ना सारी मट्टी शट्टी बिल्कुल ही फेंक दी थी। पर दोस्तों आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग दिखाने वाला हूँ। ये सामने आपको हेलमेट नज़र आ रहा है, सॉरी मेरे बैक साइड पे जो हेलमेट नज़र आ रहा है भाई, इसको कुछ ही देर में मैं पहन रहा हूँ और मैं निकल रहा हूँ बाहर की तरफ। मुझे कज़न से थोड़ा सा काम भी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने कज़न से ना थोड़ा काम भी कर लूँ और जाके मोटो व्लॉग भी बना लूँ। बस अभी यहाँ से निकलते हैं, यही वाला रोड आपको नज़र आ रहा है ना, इसी रोड से सीधा सीधा निकलते हैं, क्योंकि मुझे जाना भी इधर ही है। तो फटाफट से चलते हैं मोटो व्लॉग की तरफ। ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, भूख लग रही है तो कैसी कैसी हरकतें कर रही है। देखे जी आ जाओ यार आ जाओ, ब्राउनी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ ब्राउनी, डोंट वरी। आओ ब्राउनी आओ 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 ब्राउनी आओ, ब्राउनी मैंने आपके लिए यहाँ रख दिया है। अरे आ जाओ यार, मैंने आपके लिए वहाँ पर इतना सारा निकाल के रख दिया और आप ये वाला पड़ा पड़ा खा रही हो यार, क्या है यार। बहुत ही टाइम बाद आपका भाई मोटो व्लॉग की तरफ आया है, और ये जब से रोड बना है आपका भाई पहली राइड कर रहा है इस रोड के ऊपर। आपको ये जो सारे झंडे नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब आप समझ जाओ, और ये वॉल चौकिंग जो आपको नज़र आ रही है, तो भाई इलेक्शन आने वाले हैं, और जो भाई भी जिस जिसको वोट देगा कमेंट सेक्शन में ज़रा बताओ तो सही। इस दफ़ा आपका भाई बड़ा कंफ्यूज है भाई। कराची में रहने वाला अगर कोई भी है तो हबीब यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा, उसके बिल्कुल ही सामने एक फ़िश वाला है, और यहाँ की फ़िश की खास बात ये होती है कि अभी लगना शुरू हो रही है। देखिए जी अभी इस टाइम लगना शुरू हो रही है, सनसेट हो रहा है और यहाँ लगना शुरू हो रही है। पर ये होता है कि बड़ी ही कोई ज़बरदस्त सरसों के तेल पे फ्राई करके देते हैं वाली फ़िश, तो कभी आना और ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त होती है फ़िश। इस जगह पर राइड करने का मज़ा सिर्फ ये है कि थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वाली फील भी आती है, और थोड़ा सा एडवेंचर वाला माहौल भी बना हुआ होता है। और यहाँ पर आप देखें तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एयरपोर्ट है, और राइट हैंड साइड पर पूरा एक जंगल है, तो इसीलिए थोड़ी सी ना फील डिफरेंट होती है। बट ये क्या देख रहा हूँ भाई, ये बच्चा भागते हुए आ रहा है, और थोड़ा ख्याल करो। असल में लोगों ने ये वाला एक पॉइंट बना लिया अपना खुद से कि यहाँ पर जहाज़ को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देखते हैं, और यहाँ पर आके स्टे करते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ी देर। और शाम के टाइम ना मौसम भी अच्छा होता है, तो सनसेट भी देखने को मिल जाता है। तो बस लोगों ने ना अपनी मदद आपके तहत एक पॉइंट खुद से बना लिया, जबकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। बाकी ये देखे जी ASF वाले, यहाँ पर एक हमारा PIA का जहाज़ था जिसको यहाँ पर लेकर आ गए, और यहाँ पर उसको म्यूज़ियम के तौर पर इसको रख दिया है। तो जी आ चुके हैं ताहा के घर के पास, और यहाँ से फ़ोन करके ज़रा ताहा को बुला लेते हैं। ताहा आ गया हूँ मैं घर के पास, बाहर आ जा यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? आज जाना है जो हमें काम करना है ना यार, मैं काम ही कर रहा था, कब्रिस्तान से होके आया था। बस बस चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी एक काम है वहाँ पर निकलना है, फिर नमाज़ पढ़ते हैं आकर। सही। सो जी ताहा को मैंने पिक कर लिया है, और ताहा मेरे साथ है, और यहाँ से यार हमें कुछ लेके जाना है। ओए अबे क्या पागल है, क्या नजर नहीं आ रहा तुझे? तुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर है क्या? खड़ा क्या हो रहा है तू? अंधा क्या तू? देख ना तुझे नजर नहीं आ रहा है, तो तुझे नजर नहीं आ रहा, तू धक्का क्यों दे रहा है भाई? है तुझे हाथापाई नहीं भाई, भाई हाथापाई नहीं, क्या भाई हाथापाई नहीं हो? तुम्हारी गलती तो तुम्हारी, ऊपर से तुम ये वाली हरकतें कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बीच में गलत आए तुम। हाँ बात क्या सुन, तरीके से बात करो, तू तरीके से बात करना, गलती गलती तुम्हारी है, बीच में तुम आए हो। नहीं 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 तुम्हारे कौन सा इलाका है, इलाका तुम्हारा कौन सा है? चलो निकलो यहाँ से, ओए हाथ भी लगाओ। नहीं 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 तुम्हारे कौन सा इलाका है, इलाका तुम्हारा कौन सा है? चलो निकलो यहाँ से, ओए हाथ भी लगाओ, ओए हाथ भी लगा, चल बता, जा बता दे भाई बता दे, तुम बदमाशी कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, चलो। ये देखिए जी, एक तो यार गलती इसकी है, ऊपर से हमारे ऊपर ही चढ़ाई मार रहा है, सारी गलती इसकी है, बीच में आ रहा है बिल्कुल ये वीडियो के।
दोस्तों यहाँ पर ना बिना बात की बदमाशी, एक तो खुद गलत आ रहा था, ऊपर से बदमाशी भी देखे आप उसकी कैसी बदमाशी है। बहरहाल अब जो है ना पठान का ना दिमाग उल्टा है ना इसका, देख रहा है फजूल में गलती एक तो था उसकी, उठ के आ रहा है। हाँ गलती उसकी देख रहा है क्या, तो सामने आ रहा है हमारे साथ ही फिर कर रहा है यार। मैं जानता है मैंने ना ये नहीं करेगा, वो खजरा पड़े एरिया में देखता रहता है, कुछ करेगा तो नहीं ना एरिया में, तो क्या करेगा। हाँ भाई वो ये बता रहा है कि एरिया का लड़का है, एक तो इनके प्रॉब्लम ही होती है ना सब लड़कों को लेकर आ जाते हैं। तो जी फड्डे शड्डे तो हो गए, बट आप छोड़ दिया उस चीज़ को, अब तहा कुछ भी मामला तो होंगे ना संभाल लियो थोड़ा सा, ये नहीं लड़के छड़के लेकर आ जाए। पर हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, अब सामने मस्जिद है, फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ के अब जा रहा हूँ मैं वापसी की तरफ। तहा से जो मुझे काम था वो मैंने निपटा दिया सारा काम, और अब मैं निकल रहा हूँ वापसी घर की तरफ। आज यही सोच रहा था कि यार मैंने मोटो व्लॉग की तरफ गया हूँ और पहले ही मोटो व्लॉग में जो है ना वो लड़ाई हो गई, और वो शुक्र है कि ज़्यादा लड़ाई बड़ी नहीं, बड़ी है कि यार वो जिस तरह भरम करा के गया है ना कि मैं लड़के बुलाऊंगा, और वो मुझे मेरा कज़न बोल रहा है कि मैं उसको जानता हूँ, तो यही होता है कि यार वो फिर दो चार दिन बाद एक हफ्ते बाद ना वो लड़के लेकर आ जाता है और बोलता है तूने ही भरम कराया ना, तो वो फिर बात आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो लेट्स सी यार क्या होता है, बाकी वीडियो में बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कि गलती मेरी नहीं थी यार, वो बिल्कुल ही मूव के एक तो बिल्कुल ही तरफ आ गया और मैं एकदम बेध्यानी में मैंने बहुत बड़ा सा ब्रेक मारा, तो ऊपर से वो फिर आके एकदम चढ़ाई मारना शुरू हो गया, बाइक स्टैंड पे लगा दी, मैंने स्टैंड में नहीं लगाई थी बाइक शुरू में, उसने लगाई थी और वो आके फुल भरम करना शुरू हो गया। तो भाई अब गलती किसकी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या नाम है चैनल का? मेरे चैनल का हश्याम रईस, हश्याम रईस सही है, वीडियो में आ गए। तो जी बाइक कुछ अच्छे टाइम पे बंद हो गई, यहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं बाइक पे, चैनल बना हुआ है। बहरहाल आप तो पेट्रोल डालो। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने कैमरा सेट करने के लिए रुका पेट्रोल पंप की तरफ, और ऐसा अच्छा सीन हुआ कि मेरा पेट्रोल भी वहीं ख़त्म हो गया, तो यही समझ लो मेरे साथ अच्छा होगा कि इधर ही बंद हो गई, आगे कहीं बंद हो जाती तो मसला हो जाता। वैसे मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि बाहर निकलूँ तो पेट्रोल पहले चेक करूँ, बट आज मोटो ब्लॉक की वजह से ना थोड़ा सा ये मैनेजमेंट मेरे लिए आउट हो गई। वाह यार ये सनसेट देखो कैसा ज़बरदस्त लग रहा है यार। आते आते रात हो गई है और यहाँ पर हम करेंगे अपनी वीडियो एंड, क्योंकि मैं निकला ना यार बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझे एक दो काम और थे वो भी मैंने जल्दी से निपटाए और फटाफट से घर पे आया, तो रात हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया, बिल्कुल ही अंधेरा है, चांद तारे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिरी चीज़ और, रेगुलर शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ, ज़रा चेक करना जाके मिनी व्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं, वो चेक करना जाके।